आई थिंक आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये 5 लॉ हैं जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने एनुंशिएट किए, उनको कंप्लीट किया और एक बुक के फॉर्म में ये पब्लिश हुए। तो लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बताने से पहले मैं थोड़ा सा रंगनाथन जी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि जिनको हमारे इंडिया में फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। और वही एक ऐसे थे जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस का डेवलपमेंट और उसके बारे में उसे जो है आगे इंडिया के अंदर जो है बढ़ाया, नई नई टेक्निक्स दी, नई नई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए, उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन में से एक कंट्रीब्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस अब एक्चुअल में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी जो है वो मैथमेटिशियन हुआ करते, मद्रास लाइब्रेरी, मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर जब हमारा देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था, 1924 की बात है, उनको जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की लाइब्रेरी को संभालने की। तो वो लाइब्रेरी साइंस के बारे में इतना कुछ जानते नहीं थे, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए। वो गए देखिए 1924, ये जो स्क्रीन पर ईयर दिखाई दे रहा है ये 1924 में वो इंग्लैंड गए और स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप से उन्होंने जो है अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वहाँ से कंप्लीट की। और फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने विजिट किया पूरे इंग्लैंड का, विजिट किया और बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज में गए ताकि वो समझ पाएँ वहाँ की लाइब्रेरीज की प्रैक्टिस प्रिंसिपल, इनको समझ पाएँ। और उन्होंने वहाँ अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जो है इंडिया आए। इंडिया आकर उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया के अंदर जो है बहुत सारी कमियाँ हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने जो है इस विषय पर जो है लाइब्रेरी साइंस के विषय पर गहन अध्ययन किया और काफ़ी बुक्स जो है उनकी जो है पब्लिश हुई हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है लाइब्रेरी साइंस में रहा है। और उन्हीं में से एक जो कंट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है एक्चुअल में फर्स्ट टाइम एनुंशिएट हुए थे 1928 के अंदर तमिलनाडु के अंदर चिदम्बरम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशनल प्रोविजन। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है फर्स्ट टाइम 1928 के अंदर जो है ये इनिशिएट फर्स्ट एक्सप्लोजन जो इसका है हमारे सामने जो है वो आया। और 1931 के अंदर 1931 में जो है ये फुली एक बुक की फॉर्म में पब्लिश होकर हमारे सामने आए। तो देखिए ये लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है क्या। फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, भाई पुस्तकें जो है वो उपयोग के लिए होती है। सेकंड वन, एवरी रीडर हैज हर बुक। सेकंड लॉ है कि हर लाइब्रेरी आने वाले हर रीडर को जो है उसके काम की पुस्तक मिलनी चाहिए, अदरवाइज उसका आना जो है वो बेकार हो जाता है लाइब्रेरी के अंदर। थर्ड है एवरी बुक्स इट्स रीडर, और लाइब्रेरी में रखा हुआ जो मटेरियल है उसका भी उपयोग होना चाहिए, हर बुक जो है वो कभी ना कभी इस्तेमाल जरूर होनी चाहिए। फोर्थ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और फोर्थ लॉ जो है वो ऐसा बनाया गया है कि यूजर जब लाइब्रेरी के अंदर आता है, रीडर जब लाइब्रेरी के अंदर आता है, वो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए है उसे उसके काम की इंफॉर्मेशन जो है मिल जानी चाहिए, बुक जो है वो मिल जानी चाहिए। फिफ्थ लॉ है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी जो है वो एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक जीव जो है वो बढ़ता रहता है ऐसे ही लाइब्रेरी जो है वो हमेशा बढ़ती रहेगी, उसमें बुक्स आती रहेंगी, नई नई इंफॉर्मेशन जो है वो आती रहेंगी। तो रंगनाथ जी ने ये 5 लॉ बनाए। इन 5 लॉ को बनाने का एक मेन मोटिव जो है वो यही था कि हमारा जो लाइब्रेरी सिस्टम है वो लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो अच्छे से चले, वो अलाइव करे, वो रन करे, वो जो है बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें। एक तरह से ये जो लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी के लिए एक फ्रेमवर्क का जो है वो काम करते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क है लाइब्रेरी सिस्टम के लिए जिसको हम फॉलो करते हुए एक लाइब्रेरी को बहुत अच्छा जो है वो बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको
यूज करवा सकते हैं। अब हम इनको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है जैसे बुक्स आर फॉर यूज, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है। जैसे कि मैंने बताया लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इनको अगर मान लीजिए आज के कॉन्टेक्स्ट में या फिर हम कुछ समय पहले जैसे 1965 के बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारी कंट्री में आया उसके बाद इसको अगर रिस्ट्रीट कर देखें हम, तो इसको जो है हम बुक की जगह जो है इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए बुक्स में भी क्या होता है, बुक्स में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और लाइब्रेरी के अंदर जरूरी नहीं है बुक्स ही हो, और भी अदर डॉक्यूमेंट जो है वो हो सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इन लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को रीस्टेट करें तो क्या होगा, अब यहाँ बुक की जगह जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगा, डॉक्यूमेंट या फिर इंफॉर्मेशन। तो अब आप इसको जो है ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे इसे जो है सॉफ्टवेयर के उसमें भी रीस्टेट किया गया है, और जो है अलग अलग जो रंगनाथन जी के बाद जो लाइब्रेरी फील्ड में जो मुख्य व्यक्ति रहे हैं उन्होंने जो है अपने संदर्भ में जो है इनकी और डेफिनेशंस, और जैसे सॉफ्टवेयर के लिए किया हुआ है ऐसे ही जो है डिजिटलाइजेशन के लिए है, तो वो हम जो है लास्ट में पढ़ेंगे, वो जितनी भी व्याख्या है वो लास्ट में पढ़ेंगे। बट ये था रंगनाथन जी के जीवन काल में ही इनको रिस्टेट किया गया था, वो क्या है जैसे बुक्स आर फॉर यूज था, अब आ जाएगा डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन आर फॉर यूज। सेकेंड हो जाएगा एवरी रीडर हिज हर डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज एवरी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन इट्स यूजर, मींस हर डॉक्यूमेंट को और हर इंफॉर्मेशन को जो है उसका यूजर मिलना चाहिए। फोर्थ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ये सेम रहेगा। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सेम रहेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम इसको रीस्टेट कर देते हैं। अब हम जो है वन बाय वन एक एक करके जो है इन लॉज की व्याख्याओं को पढ़ेंगे और समझेंगे कि रंगनाथन जी की जो सोच थी वो आज भी कितनी कैपेबल है, और जिन्होंने जो है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जो है इतना ज्यादा साइंटिफिक मोड दे दिया जो कि पहले कभी हुआ नहीं करता, और उन्हीं को फॉलो करते हुए आज जो है लाइब्रेरी साइंस के अंदर लाइब्रेरी साइंस के टीचर रिसर्च वर्क सारा उन्हीं को फॉलो करके, उनकी सोच को फॉलो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, तो देखिए फर्स्ट लॉ जो है बुक्स आर फॉर यूज, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या है, लाइब्रेरी लोकेशन, वर्किंग आवर्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, नेक्स्ट स्टॉप। इससे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो बुक्स आर फॉर यूज जो लिखा हुआ है इसका मेन मोटिव जो है वो क्या है। जैसे कि हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मिडविल लाइब्रेरीज की तरफ चले जाएं, तो उस टाइम पर जो है हमें याद आती है कि हमें याद दिलाई जाती है जो हमने बुक में पढ़ा है कि लाइब्रेरीज को जो है वो स्पेशल पीपल्स के लिए रखा जाता था, राजे महाराजे होते थे या फिर जो और लोग जो होते थे उस टाइम पर, वो जो है रीडिंग मटेरियल को जो है चैन से जो है लॉक करके रखते थे, अलमीराज लॉक होती थी उसमें रखा हुआ जो इम्पोर्टेंट मटेरियल जो रीडिंग मटेरियल होता था वो चैन से लॉक लगा कर रखा जाता था। तो बेसिकली उन्होंने जो रंगनाथन जी जो है कॉन्सेप्ट को चेंज किया और हमें जो है समझाया कि बुक्स जो है वो ऐसे चैन से बंद करने की नहीं होती है, उनको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाना चाहिए, नॉलेज जो है वो जो है स्प्रेड होनी चाहिए, वो जो है फैलनी चाहिए नॉलेज। तो उसी संदर्भ में ये बेस्ट एग्जांपल है कि इंफॉर्मेशन और जो है डॉक्यूमेंट्स और बुक्स जो है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज हो। और जैसे कि आप अगर मान लीजिए स्टूडेंट के तौर पर या एक लाइब्रेरियन के तौर पर इनको बड़े अच्छे से समझेंगे, और एक बार ही नहीं बस आप सुन लीजिएगा, सुनने से ही आपको जो है इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा के अंदर जो है आपको समझाया जाएगा। तो फर्स्ट इंप्लीकेशन है लाइब्रेरी लोकेशन, कि भाई बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करवाने के लिए, और बुक्स कहाँ होती हैं, लाइब्रेरीज में, बुक्स को जो है ज्यादा से ज्यादा यूज करवाने के लिए लाइब्रेरी के अंदर ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि हमारा जो रीडिंग मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो, वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है लाइब्रेरी लोकेशन। लाइब्रेरी लोकेशन से मतलब है कि आपकी जो भी लाइब्रेरी है, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, कोई भी जो लाइब्रेरी है वो जो है उसकी लोकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो जो है ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर जो है हर व्यक्ति की अप्रोच जो है वो इजी हो। जैसे स्कूल में अगर मान लीजिए लाइब्रेरी है तो उसको जो है ऐसे कन्वीनियंट एरियाज के अंदर रखें जो मिड में हो स्कूल के या कॉलेज के बिल्कुल मध्य में हो, और जहाँ पर हर व्यक्ति के लिए जाना जो है वो आसान हो,
और यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी के बारे में तो कहा हुआ है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो जो है वो हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है वो होती है, और हार्ट जैसे कि हमारे शरीर के अंदर पता है हार्ट हमेशा यहाँ होता है, तो इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि लाइब्रेरी की लोकेशन ऐसी हो जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सके, हर व्यक्ति की अप्रोच जो है वो इजीली हो, ऐसा ना हो कि आपकी जो लाइब्रेरी है वो आपसे बहुत दूर हो जहाँ पर आपका जाने का मन ही ना करे, तो लोकेशन जो है ऐसी हो। दूसरा, एक ऐसी जगह पर जो है आपका इंस्टीट्यूट, मैं तो कहूँगा इंस्टीट्यूट भी ऐसी जगह होना चाहिए और लाइब्रेरी तो मस्ट है, जो नॉइज फ्री हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, व्हीकल्स वगैरह जो है वो इस तरह से जो है नॉइज फ्री एरिया के अंदर जो है वो होना चाहिए। तो फर्स्ट जो मैंने बताया आपको लाइब्रेरी लोकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी लाइब्रेरी के लिए। सेकेंड है वर्किंग आवर्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आपकी जो लाइब्रेरी की वर्किंग है, वर्किंग आवर्स हैं वो अकॉर्डिंगली होने चाहिए यूजर के। बेसिकली अगर इसके अंदर अगर हम देखें तो पब्लिक लाइब्रेरीज में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं वो ऐसे कन्वीनियंट टाइम पर हो कि उसको जो समाज के लोग हैं, जो हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, उसको आसानी से अपने कन्वीनियंट ऑफिस आवर्स के बाद भी यूज कर सकें। या फिर जैसे मैं कहूँ कि सैटरडे और संडे जो हमारे जो छुट्टी के दिन होते हैं उसमें भी जो है आपके जो लाइब्रेरीज हैं वो ओपन होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज के अंदर तो होता भी है, मैंने मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर देखा है उसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो जो है आफ्टर द एकेडमिक आवर्स से अलग होते हैं, के बाद भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी 5 बजे तक खुलती है तो रात को 12-12 बजे तक जो है आपकी लाइब्रेरी जो है वो खुली रहती है, और खुली रहनी चाहिए क्योंकि वर्किंग आवर्स अगर मान लें कन्वीनियंट होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी को जो है यूज़ करा पाएंगे, और फर्स्ट लॉ का मोटिव ही यही है कि आपके जो है बुक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो। थर्ड है लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। देखिए लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो फर्स्ट लॉ की जो है थर्ड इम्प्लीकेशन में क्या आता है कि आपकी जो लाइब्रेरी का जो फर्नीचर होगा वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, वहाँ जाने का दिल करे, और सभी फैसिलिटी फर्नीचर से रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो जो है वो हो, ऐसी बिल्डिंग हो जो ये लिखा हुआ है लाइब्रेरी बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग के अंदर जो आपकी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पर वेंटिलेशन की कोई कमी ना हो, जो है हर तरह की सुविधा जो है वो नेचुरल लाइट जो है वो वहाँ होनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें जा सकें। और मोस्ट प्रोबेबली जो ये फर्नीचर की बात आती है तो मैं तो ये कहूँगा स्कूल की लाइब्रेरी में तो फर्नीचर मोस्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका जाने का दिल तभी करता है लाइब्रेरी के अंदर जब उनको जो है कुछ अट्रैक्टिव और एक्टिविटीज वगैरह जो है वो मिलेंगी वहां पर। फोर्थ है स्टाफ, जो इसकी फर्स्ट लागी फोर्थ जो है वो स्टाफ है, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये स्टाफ किसी भी लाइब्रेरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कराने के लिए उसका, या मैं तो ये कहूँगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सफल होने के लिए उसका जो स्टाफ है उसके अंदर जो व्यक्ति जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो अगर मान लीजिए आपके बेटर हैं, मीन वेल क्वालिफाइड हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। बट हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में, तो लाइब्रेरी के अंदर जो है स्टाफ जो है वो सबसे पहली बात तो ये वेल एजुकेटेड होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन जो है वो। दूसरा जो है उसका जो है एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए नेगेटिव एटीट्यूड के बाद के साथ तो आप लाइब्रेरी को रन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट आते हैं, कुछ शरारती स्टूडेंट्स भी आते हैं और कुछ वैसे भी सीरियस यूजर भी आते हैं, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनसे जो बातचीत करें उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करें। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो है कई बार काम करते करते जो है लाइब्रेरियंस को या जो है लाइब्रेरी स्टाफ को एक्सपीरियंस हो जाता है, आप जो है उनको इंटरप्रेट करें कि एक्चुअल में उन्हें क्या चाहिए और किस तरह की रिक्वायरमेंट है, और उन रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर आप उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, उनसे अच्छा बिहेव करेंगे, उनको जो है उनको मानी हुई जो बुक या फिर इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करेंगे, तो ये बेटर रहेगा फर्स्ट लॉ की इम्प्लीकेशन के लिए, फर्स्ट लॉ की इम्प्लीकेशन के लिए बेटर थिंकिंग है। दूसरा है जो मोस्टली जो है लाइब्रेरीज के अंदर जो है अलग अलग पोस्ट होती है, एक पोस्ट होती है रेफरेंस लाइब्रेरियन की, देखिए रहे आपका उसमें आप पढ़ेंगे रेफरेंस सर्विस के बारे में। देखिए रेफरेंस सर्विस वहीं स्टार्ट हो जाती है जहां यूजर जो है लाइब्रेरी के अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद उसकी जो भी बातचीत होती है
रिगार्डिंग टू डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन, वो सारा का सारा रेफरेंस सर्विस के अंदर आता है। उनकी क्वेरीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्वेरीज जो है पूछना और फिर लाइब्रेरियंस का बताना, लाइब्रेरी स्टाफ का, तो ये रेफरेंस सर्विस कहलाती है। और डॉक्यूमेंट के बारे में जो है बताना वो तो है ही कि भाई आप जो है लाइब्रेरी में कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट है या कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से डॉक्यूमेंट में मिलेगी, ताकि उनका टाइम जो है वो खराब ना हो। तो लाइब्रेरी के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर रेफरेंस लाइब्रेरियन होते हैं। रेफरेंस लाइब्रेरियन को जो है बेस्ट, जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी जो है उसके अंदर ये होनी चाहिए कि उसे जो है अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसे जो है डिफरेंट टाइप के रेफरेंस सोर्सेज और उनमें मिलने वाली इंफॉर्मेशन का जो है वो पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। एक और बात आती है, जैसे मोस्टली जो है रिसर्च जो लाइब्रेरी होती है, जैसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर जो है यूजर का जो टाइम है वो बड़ा वैल्यूएबल होता है, उसे रिसर्च के लिए जो है टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस केस में रेफरेंस, उस केस में रिसर्च को हेल्प अगर कोई चीज़ करती है लाइब्रेरी और लाइब्रेरी का स्टाफ, जो उसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर मान लीजिए उसे बहुत कम समय के को यूज़ करते हुए, बहुत कम समय को लगाते हुए उसे मिलता है, तो वो जो है फर्स्ट लॉ जो है उसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो पूरी हो जाती है, उसकी जो डिमांड जो है वो पूरी हो जाती है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट लॉ जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइब्रेरी लोकेशन, वर्किंग आवर्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टाफ। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ है एवरी रीडर हिज हर बुक, कि भाई प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, जो भी लाइब्रेरी आने वाला जो पाठक है उसको जो है उसके काम की जो है पुस्तक मिले। तो देखिए सेकंड लॉ में जो है रंगनाथन जी ये एक्नॉलेज करते हैं जो लाइब्रेरीज हैं वो सभी के लिए जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। मोस्टली पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में अगर हम बात करें, पब्लिक लाइब्रेरीज जो है वो सभी के लिए जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और बेसिकली अगर देखा जाए तो पब्लिक लाइब्रेरीज में जो है उसमें जो है सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पर्सन वो आते हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंग मटेरियल मिलेगा, तो नेचुरल सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी लाइब्रेरी, और जो है उसका जो है सेकंड लॉ की जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, वो भी पूरी होगी। तो अब इसकी इम्प्लीकेशन में देखेंगे हम ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। देखिए ये जो लाइब्रेरी सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन का जो लाइब्रेरी सिस्टम है, ये अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर देखें तो ये सातवीं सूची में आता है, सातवीं सूची है समवर्ती सूची, और ये जो है स्टेट का विषय है, ये राज्य का विषय है, तो इसीलिए लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। तो ये स्टेट की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने यहाँ के हर नागरिक को जो है वो लाइब्रेरी की सुविधा जो है वो प्रोवाइड करे। अब वो प्रोवाइड करे उसके लिए फंड्स जो होगा वो चाहे वो, अब हम भी देखते हैं एजुकेशन में जो है हमारे जो टैक्सेस वगैरह जो कटते हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है हमारी लाइब्रेरी के लिए है, तो वो एक स्टेट जो है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसमें जो है हर स्टेट में जो है लाइब्रेरीज हों, हर डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी हों, और उनमें रखा हुआ जो मटेरियल है वो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब ये स्टेट का ऑब्लिगेशन तो हो गया, स्टेट की जिम्मेवारी, स्टेट का कर्तव्य तो हो गया, बट कुछ और चीज़ें हैं जो सेकेंड लॉ को जो है वो कंप्लीट करवाती हैं। एवरी रीडर हिज हर बुक्स जो है, पाठक जो है वो लाइब्रेरी में तो पहुंच गया, उसके बाद उसे उसके काम की बुक कैसे मिलेगी? देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बुक सिलेक्शन। लाइब्रेरी के अंदर जो बुक सिलेक्शन होता है वो बुक सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है। कई बार क्या होता है, कुछ लाइब्रेरीज में मैंने देखा है कि इकट्ठी बुक्स के लिए जो है वो ऑर्डर दे देते हैं अपने इस काम को बचाने के लिए, कि भाई कोटेशंस मंगवानी है और तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो है काम करने, रिमाइंडर भेजना, ये सब चीज़ें करने के लिए। बट क्या है कि बुक सिलेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र होना चाहिए, जो उसमें आने वाले जो यूज़र हैं उनके रिक्वायरमेंट्स को पूछना चाहिए उनसे, उनसे जो है ऐसा कोई सिस्टम जो है लाइब्रेरी के अंदर बनाया, जैसे जैसे कोई रिक्वायरमेंट फॉर्म दे दिया कि भाई आपको कौन सी चीज़ है। और जितने भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल होते हैं उन फंड्स को ध्यान में रखते हुए उस मटेरियल को परचेज किया जाए। तो एक है आपका हो गया बुक सिलेक्शन, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई बुक सिलेक्शन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसका, तो मैं लिख देता हूँ
बुक सिलेक्शन। दूसरा इसके अंदर मैंने ऐड किया है एक पॉइंट, वो है इंटरलाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन, तो जो लाइब्रेरी जोन में इंटर लाइब्रेरी लोन की फैसिलिटी होनी चाहिए, लाइब्रेरी कोऑपरेशन होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ लाइब्रेरी कोऑपरेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट की या दूसरी डिस्ट्रिक्ट की जो लाइब्रेरीज हैं वो आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। मान लीजिए उन्होंने कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसी पॉलिसी फॉलो की हुई है कि अगर मान लीजिए कोई यूजर आपकी लाइब्रेरी में आता है और उसे किसी बुक की रिक्वायरमेंट है और आपके पास वो नहीं है और हमारे पास है, तो उसे जो है ऑन डिमांड कुछ टाइम के लिए उसको जो है आपको प्रोवाइड किया जा सके। मींस ये एक तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई दो लाइब्रेरीज के बीच में। तो उस केस के अंदर जो है क्या होगा, ये दो चीजों को बचाएगा, एक तो लाइब्रेरी फंड्स को। देखिए कोई भी लाइब्रेरी जो है वो कैपेबल नहीं होती है सभी प्रकार के मटेरियल को परचेज करने के। हमें एक दूसरे की हेल्प जैसे सोसाइटी के अंदर चाहिए, ऐसे ही लाइब्रेरीज को भी जो है एक दूसरे की हेल्प चाहिए और करनी भी चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक तो लाइब्रेरी फंड बचेगा, जो पैसा जो लगना है वो बचेगा। दूसरा अगर यहाँ बुक नहीं है तो दूसरी जगह वो बुक्स अवेलेबल होगी। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली क्या करना चाहिए, बुक सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू यूजर होना चाहिए। जो और भी चीजें हैं कि लाइब्रेरी में रखा हुआ जो मटेरियल है वो हर यूजर को मिल जाए, तो आपकी जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के अंदर जो सिस्टम बनाया हुआ है आपने, जो अरेंजमेंट जो बुक्स की है या डॉक्यूमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी लेबलिंग होनी चाहिए कि कौन सी बुक कहाँ रखी हुई है, सेक्शंस अलग अलग जैसे हैं उनके इंडिकेटर्स लगे हुए होने चाहिए ताकि यूजर लाइब्रेरी के अंदर जाए और उसे पता चल जाए उसके काम की बुक कहाँ रखी हुई है। उसके बाद फिर आता है क्लासिफिकेशन, बुक्स का जो है वो क्लासिफिकेशन जो है बेटर होना चाहिए। पहले तो जो है सीसीसी से होता था, अब जो है सीसीसी से भी होता था, बट अब मोस्टली जो है आपकी डीडीसी के अंदर यूज होती है। सब्जेक्ट वाइज डिवीजन होना चाहिए, आप जो है डीडीसी या सीसीसी से ना करें बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जरूर करें ताकि रीडर की जो है अप्रोच जो है वहां तक जाए। और नेचुरल सी बात है कि अगर मान लीजिए यूजर की अप्रोच वहां जाएगी तो वो बुक को यूज करेगा और हो सकता है कि वो एक बुक को देखने के लिए आया हो और उससे उसी से रिलेटेड और भी बुक्स जिनमें अच्छा मटीरियल है वो मिल जाए, तो देखिए यूजर को उसकी बुक मिलेगी और बुक को उसका रीडर मिलेगा। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि लास्ट के लॉ में मैंने बताया था कि लाइब्रेरी की जो अथॉरिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जो मेन मेन मुख्य जो व्यक्ति हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है लाइब्रेरी के अंदर रखे हुए मटीरियल को ज्यादा से ज्यादा यूज कराया जाए। उसके लिए मैंने पहले भी बताया है वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, उनको जो है अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग का पता होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो इस तरह की चीजों को लेकर हम जो है सेकंड लॉ को जो है कि इंप्लीकेशंस को जो है पूरा कर सकते हैं, जो रंगानाथन जी का जो मोटिव था सेकंड लॉ के रिगार्ड वो पूरा हो जाता है। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ जो है वो क्या कहता है कि एवरी बुक्स इट्स रीडर। जैसे हर पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए वैसे ही हर पुस्तक को जो है उसका पाठक मिले, हर डॉक्यूमेंट हर इंफॉर्मेशन को जो है उसका यूजर जो है वो जरूर मिलना चाहिए। देखिए इसके लिए वैसे तो कोई इम्प्लीकेशंस कोई ऐसी है नहीं, बट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम जो है थर्ड लॉ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे अपनी लाइब्रेरी के अंदर। तो इसमें एक है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन क्या होता है, लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई बुक्स को जो है उनकी सही जगह पर रखना। जैसे आपने स्टार्टिंग में तो जो है लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स का जो है अरेंजमेंट कर दिया, बुक्स का अरेंजमेंट हो गया अच्छे तरीके से, बट यूजर आता है वो कई बार जो है वो क्या करता है वो बुक्स को दूसरे स्थान पर रख देता है। तो जिस यूजर जो यूजर एक बुक को लेने के लिए आया हुआ है उस यूजर को जो है वो बुक जो है वो नहीं मिलती है। दूसरा है जैसे आपका जो है क्लासिफिकेशन बेटर होना चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर जो है क्लासिफिकेशन होगा, कैटलॉगिंग होगी, बिब्लियोग्राफीज होंगी, पूरा रेफरेंस सर्विस अच्छी प्रोवाइड की जाएगी, तो वो बुक जो है, और नेचुरल सी बात है बुक सिलेक्शन, अगर बुक सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स होगा तो उसमें तो नेचुरल सी बात है वो उसके जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। अब कई लाइब्रेरीज के अंदर जो है क्या होता है आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक्स को जो है मिसप्लेस भी रख देते हैं,
कई बार क्या होता है एक बुक जो है बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर होती है, स्टूडेंट्स जानबूझ कर क्या करते हैं उन्हें जो है दूसरे स्थान पर रख देते हैं। तो टाइम टू टाइम एक मतलब ये अच्छी बात है कि आपके यूजर आते हैं और वो बुक के लिए इतने क्रेजी हैं कि वो बुक इधर उधर जो है वो रख देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई आपकी लाइब्रेरी जो है वो काफी डिमांड में है। और कई बार हमने देखा है कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को जो है चोरी भी कर लिया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो ये कोई एक वैसे देखा जाए लाइब्रेरी अथॉरिटीज के लिए तो नेगेटिव पॉइंट है, बट उस चोरी को रोकने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, उनको जो है उनके काम का मटेरियल जो है एक्सेस में जो है मतलब एक फोकल पॉइंट से ज्यादा मात्रा में जो है उनको अगर मिलता है तो वो ऐसा काम नहीं करते।